भाई को मजा आता चिल्लाने में। ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो चुका है, कुत्ते फेल हो गए भाई गाड़ी में बैठे बैठे। घर तो सिर्फ ये लगा लो कि चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं सही में, और एक टाइम का रोटी खाने पर, तो इसके बाद फिर वही गुड़गांव चलो जी। सो दोस्तों लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, दिल्ली में सैलरी नहीं है और सैलरी है नोएडा और गुड़गांव में, और दिल्ली वाले बंदों के लिए भाई साहब मैं क्या बताऊँ, आप देख सकते हो मेरी लाइफ। वेलकम गाइस, माय नेम इज यूडी, आप देख रहे हैं यूडी की वीडियो। सो दोस्तों आज मैं आपको मैं दिखाऊंगा अपनी लाइफ स्टाइल, ठीक है। अभी मेरी जो ऑफिस है वो गुड़गांव में, मैं ऑफिस का नाम नहीं बताऊंगा आपको, दिल्ली से गुड़गांव की जर्नी। तो दिल्ली वाले बंदा मतलब कहते स्ट्रगल करता, मैं आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाई कैब, उसके बाद दिखाऊंगा आपको मैं बाई मेट्रो। सो अभी बजे शाम के 5 और मेरे ऑफिस का टाइम है लॉगिन 6:30, बट तुम्हें कोई बात नहीं है, अभी 5 बजे, ठीक है। सो अभी देखते हैं मैं कितने बजे पहुँचता हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा। मतलब मुझे ऐसे एग्जैक्ट 3 घंटे लगते हैं, समझे आप, 3 घंटे। मतलब मैं 5 बजे कैब में बैठूँगा और वहाँ जाके उतरूँगा मैं आसपास 8 बजे के आसपास, मेरा वहाँ पे ड्रॉप होगा। सो मैं आपको पूरा ऑफिस दिखाऊँगा अपना, और मतलब देख मैं आपको पूरी कैब की जर्नी दिखाऊँगा, ठीक है। जो भी दिल्ली से गुड़गांव जॉब करने वाले हैं उन्हें वो अच्छे से समझेंगे इस बात को, और उनको पता होगा, और जो दिल्ली से गुड़गांव जॉब करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। सो पूरी वीडियो देखना है एंड तक। सो दोस्तों अगर आप गुड़गांव जॉब करने की सोच रहे हो, दिल्ली से है नोएडा, दिल्ली टू नोएडा, दिल्ली टू गुड़गांव, सो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना, अगर आपके अंदर इतना हिम्मत है तो आप कर लेना, ठीक है। दोस्तों अभी कैब आ चुकी है, अभी 5:05 के पे अभी दिखाता हूँ आपको पूरी जर्नी में। सो दोस्तों तुम्हारा भाई कैब में आ चुका है, अब मैंने लगा लिया चश्मा, ठीक है, और अब लगाते हैं सीट बेल्ट। आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये मेरे बड़े भाई पंकज भाई, ठीक है, इन्हें प्रिंस भी बोलते हैं, और ये अपने महेश भाई, ठीक है, इनका फर्स्ट पिकअप होता है। टोटल इसमें होते हैं 6 पिकअप। अभी बजे है, फोन दिखाना भाई, कर अपना टाइम दिखाना लोगों को, फोन दिखाना एक बार। सो दोस्तों अभी बजे 5:23, ठीक है, ये लो भाई। सो दोस्तों कैब में जो है 6 विंडो की जगह है, अभी इसमें 6 पिकअप होते हैं, 2 पिकअप तो हो चुके हैं, एक भाई का महेश भाई का और एक मेरा, अभी 4 पिकअप और होने बाकी है, ठीक है। सो अभी बजे 5:25, अभी मैं गुड़गांव में पहुँचूँगा अपने ऑफिस, नाम नहीं बताऊँगा मैं आपको, ठीक है, वो पहुँचूँगा मैं आसपास 8 बजे के आसपास। सो जो दिल्ली से गुड़गांव जॉब करने वाले हैं भाई, ये वीडियो देख लेना, अगर इतना स्ट्रगल कर सकते हो तो गुड़गांव की जॉब आपके लिए है, आपकी जेब में है, ठीक है। सो अभी चलते हैं 3rd पिकअप की तरफ, अपने पंकज भाई कुछ बोलेंगे, बोलो भाई, नो कमेंट्स। भाई बड़े शर्मीले है, भाई बड़ी शर्मीले है, देख रहे हो, शर्मीला मिलना नहीं हूं मैं, बिजी इन ड्राइविंग, पूरे रूल्स फॉलो करते हैं, सीट पे भाई का टैटू देखा आपने, भाई टैटू दिखा ना, टैटू ये दिख तो रहा है, ये दिखाओ सारे, ये देखो भाई का टैटू। Fuck you, bro. Oh my. तो दोस्तों अभी तिहाड़ जेल के आसपास यहाँ पे पता नहीं क्या ठोकम नारायण फ्लाईओवर के ऊपर कुछ ठोकम ठाकी हो गई, गाड़ी देख सकते हो बैक टू बैक 3-4 गाड़ियाँ एकदम ठुकी हुई है। ये सामने हमारी तिहाड़ जेल है, इसी के चक्कर में पूरा जाम है देख सकते हो आप, और यहाँ भी यही रीज़न है
तीन घंटे दिल्ली से गुड़गांव जाने का, ठीक है। सो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 6:25, देख सकते हो आप, ठीक है। सो मतलब 6:20 तक हमारे सारे पिकअप हो चुके थे, जितने भी थे 6 थे, 6 में से मान लो एक हमारा मूव हो गया भाई। सो मतलब मोटा मोटी आपको बता दूं मैं, 1:20 लगे पिकअप होने में। अभी हमें नारायणा फ्लाईओवर के ऊपर, अभी मतलब यहाँ से 1.5 घंटा और लगेगा। अगर जाम हुआ तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब मिनिमम हमारे 3 घंटे तो है ही। अभी टाइम देख लो आप कितने बजे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा मैं ऑफिस किस टाइम पहुंचा। मतलब आप देख सकते हैं कि इसको जॉब पे जाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर ये आप स्ट्रगल कर सकते हैं तो ही जॉब कर सकते हैं, सही बात। अदरवाइज आप घर बैठ जाइए, वो ज्यादा बेटर है। देख रहे हो बड़े भाई ने बोल दिया आप तो। दोस्तों भी बढ़ चुके हैं 7:30, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो चुका है, कुत्ते फेल हो गए भाई गाड़ी में बैठे बैठे, मतलब भाई अलग ही लेवल है। अभी मैं ना पीछे मेरे भाई बैठे उनसे और अपने भाई से इनसे पूछूंगा इनकी लाइफ कैसी है वाली, ठीक है। ये महेश भाई है, ठीक है, महेश भाई बताएंगे। ये भी रोहिणी से ही है भाई, कैसी है आपकी लाइफ यहाँ की, दिल्ली से गुड़गांव ऑफिस लाइफ? गाँव में जॉब करने का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी हुई लाइफ जीना। हाँ, अगर आप स्ट्रगल के लिए रेडी हो तो गेट द जॉब इन MNC कंपनी इन गुड़गांव। तो बहुत ज़्यादा टफ है रियली। हम 5 बजे के बैठे हुए हैं और 5 से अब 7:30 कितना हो रहे हैं, 7:22 हो रहे हैं और अभी भी उम्मीद है कि हम 8 बजे तक पहुँचेंगे। तो 3 घंटे हम सफ़र कर रहे हैं ओनली कैब में, सही बात तो है। और जब हम अभी तो हमारा पिकअप है, हाँ। ड्रॉप में भी इतना टाइम लगेगा। हाँ। तो समझ जाओ कितना स्ट्रगल है, मतलब 3 घंटे बैठना, फिर उधर से 3 घंटे बैठना, फिर 9 घंटे की जॉब करना, तो बहुत टफ है। घर तो सिर्फ ये लगा लो कि चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं हम, सही में। और एक टाइम का रोटी खाने पर, उसके बाद फिर वही गुड़गांव चलो जी। मतलब घर पहुंचने के बाद जाने की टेंशन होती है हमें, सही बात है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर वही टेंशन है कि यार दोबारा शाम को, सही बात है। तो बड़ी स्ट्रगल भरी लाइफ है। तो ठीक है भाई, ये बताइए महेश भाई ने। सो दोस्तों फाइनली मैं उतर चुका हूँ और अभी बजे है 8:00 जब तुम्हारा भाई निकला था चांदने में, ठीक है। और अब हो गया अंधेरा, देख रहे हो, मतलब फ्रंट कैमरा भी काम नहीं कर रहा मेरे फ़ोन का। बैक कैमरे से वीडियो बना लो फ्लैश ऑन करके, ठीक है। सो फाइनली भी ऑफिस आ चुका हूँ मैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सीन ड्रॉप वाला, ठीक है। अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म होगी सुबह तो आपको पूरा सीन दिखाऊंगा मैं, कब ड्रॉप होगा मेरा और कब कैसे क्या है, ठीक है। सो दोस्तों ये अपना पिकअप जो ड्रॉप होता है हमारा, ड्रॉप हमारा यहाँ से होता है, यहाँ पर पूरा आपकी गाड़ी लगती है। यहाँ पे आऊँगा शाम को मैं, वो सॉरी सुबह 4 बजे के आसपास। सो दोस्तों फाइनली अभी बजे है 4:30, मैंने आपको पिकअप का पूरा सीन दिखाया क्या होता है, अब मैं आपको पूरा ड्रॉप का सीन दिखाता हूँ कैब किस टाइम चलेगी, क्या बस उड़ी है, ठीक है। सो अभी आई थिंक 1/2 घंटा और लगता है। अगर आपने 3:30 का रोस्टर किया तो कैब चलेगी 4 बजे, अगर आपने 4:30 का रोस्टर किया तो कैब चलेगी 5 बजे, ठीक है। सो अभी चलता हूँ मैं बाहर, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों बाहर आने के बाद आपको कुछ ऐसा सीन दिखेगा,
ठीक है, यहाँ से लेके आपको पीछे तक इस पूरे एरिया में लगती है यहाँ पे कैब, यहाँ से लेके फिर आपके पीछे से घूम के आएगी, जैसे अभी एक ही वाली कैब आई है, ठीक है। सो आपकी यहाँ से पूरी कैब होती है, आपको अपना नंबर चेक करना होता है कि गाड़ी कौन सी आपकी कैसे क्या है, ठीक है, आपकी आगे से लेके लास्ट तक होती है। एंड देन अभी कम से कम बहुत गाड़ी आनी बाकी अभी, ठीक है। सो अभी देखते हैं अपनी गाड़ी कब तक आती है, गाड़ी आती है फिर बताता हूँ आपको कब तक पहुँचता हूँ मैं घर। और दोस्तों ये तुम्हारे भाई का ऑफिस, यहाँ से लेके आपका पीछे, इसके पीछे भी है, ठीक है। अभी कैब आने में काफ़ी टाइम है, लेट्स सी कब तक आती है। सो दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है और मैं बैठ चुका हूँ, मतलब 3:30 का रोस्टर था मेरा और अभी बज चुका है 4:20, जबकि गाड़ी चल रही थी 4 बजे। देख रहे हो आप, अभी यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे जाने में। भाई साहब सही बस उड़ी है, दिल्ली से अगर गुड़गांव जॉब करनी है आपको तो भाई देख लेना, ठीक है। अभी आपको पूरा आगे का वीडियो दिखाता हूँ क्या क्या सीन है। दोस्तों टाइम देखो, 4:20 हो चुके हैं। दोस्तों फाइनली मैं कैब से उतर चुका हूँ और टाइम हुआ अभी 5:35, ठीक है, आप देख सकते हो। मतलब मैं दोपहर को बैठा था कैब में 5 बजे और मैं उतर रहा हूँ 5:35 पर। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ, मेरी जो शिफ्ट है वो होती है 9 घंटे की, इन द सेंस वैसे मेरी 6:30 बजे की होती है, बट मैं 7:30, मेरे वैसे मेरी शिफ्ट है 7:30 बजे से लेकर 4:30 बजे की। आज काम नहीं था तो मैं 3:30 के रोस्टर में आऊँ, वरना मैं 4:30 के रोस्टर में आता हूँ। 4:30 का अगर रोस्टर करता हूँ मैं तो मैं 5 बजे कैब चलती है और मैं यहाँ पे आता हूँ मैं 6:30 या 7 बजे के आसपास। 3:30 वाले रोस्टर का फ़ायदा ये होता है कि है ना वो 1.5 घंटे में पहुँचा देती है, बट अगर मैं 4:30 वाले रोस्टर से आता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर पहुँचाएगी मेट्रो स्टेशन पर अराउंड आपका 7 बजे के आसपास, 5 या 10 मिनट का फ़र्क होता है। सो दोस्तों यही था, मतलब 9 घंटे की शिफ्ट हो गई और मतलब 3 घंटे जाने के पिकअप के और 2 घंटे आपके ड्रॉप के टाइम, मतलब 9 घंटे और आपके 3 घंटे लगा लो आप 2 घंटे, तो मोटा मोटी आपके हो गए 14 घंटे, ठीक है। दोस्तों अगर 14 घंटे की ये लाइफ है दिल्ली से गुड़गांव वालों की, ठीक है। सो दोस्तों अगर आप ये जॉब कर सकते हो तो भाई बिल्कुल वेलकम है। सो दोस्तों लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, दिल्ली में सैलरी नहीं है और सैलरी है नोएडा और गुड़गांव में, और दिल्ली वाले बंदों के लिए भाई साहब मैं क्या बताऊँ, आप देख सकते हो मेरी लाइफ। ये मेरा 5 दिन का शेड्यूल है, मतलब 6 है मेरा ये नाइट शिफ्ट, सैटरडे संडे ऑफ होता है, उन वीक बस नाम नाम के लिए है। सैटरडे निकलता पूरा सोने में, संडे का दिन होता है आप कहीं, मतलब संडे के दिन तो आपको पता ही है घर पे काम के दिन होते हैं, तो संडे के दिन आपका एम ही चला गया, घर आप जाते हो सिर्फ सोने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं आऊँ यहाँ पे 5:40-50 के आसपास, 5-10 मिनट मुझे घर जाने में लगेंगे, ठीक है, तो मोटा मोटी 6 बज गए। सो अभी मैं घर जाऊँगा, अब मैं दोपहर तक सोऊंगा, 3 बजे तक सोऊंगा, उठूंगा, खाना खाया एंड देन फिर सेम शेड्यूल, ये 5 दिन चलता है, ठीक है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल है गुड़गांव और नोएडा की जॉब में। सो दोस्तों ये मैंने आपको लाइव दिखाई बाइक कैब, ठीक है, अभी मैं 3 या 4 दिन के बाद आपको दिखाऊंगा बाई मेट्रो, मतलब मैं मेट्रो से जाऊंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो गुड़गांव में जॉब करते हैं, नोएडा में जॉब करते हैं, वो कैब नहीं लेते, वो बाई मेट्रो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी बाई मेट्रो की वीडियो दिखाऊंगा मैं। और दोस्तों जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फेसबुक पे जिसने मेरा पेज लाइक नहीं किया वो कर सकते हो, फेसबुक मेरा पेज का नाम है यूडी की वीडियो और इंस्टा पे यूडी की वीडियो, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे भी डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रोगा मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूडी की वीडियो, ठीक है।